बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा पांचवी के लिए उनके CBSE की NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तिका रिमझिम के 10वें अध्याय की एक कहानी पर आधारित है। इस कहानी का नाम है एक दिन की बादशाहत। बच्चों, ये एक हास्य रस वाली कहानी है, यानी ये एक हास्य रचना है। अब हास्य रचना क्या होती है? हर हास्य रचना एक काल्पनिक स्थिति का निर्माण करती है। हमें हंसाकर वह रोजाना की वास्तविक दुनिया का या जिंदगी के दबावों से थोड़ी देर के लिए हमें मुक्ति दिलाती हैं। हास्य रचनाएं हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करती, वे केवल हमें हंसाती हैं। पर ऐसी रचनाओं को गौर से देखकर हम ये समझ सकते हैं कि कोई रचना या उसकी भाषा हमें क्यों और कैसे हंसाती हैं। इस कहानी में रोजाना रहने वाली स्थिति उलट जाती है। घर के बड़ों को एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है और घर के बच्चे एक दिन के लिए घर के बड़ों की तरह सारे अधिकार मिलने के बाद अपना हुक्म चलाते हैं। तो आइए, चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़कर समझते हैं। ये कहानी दो बच्चों की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, जिनका नाम है आरिफ और सलीम। नाम पढ़कर ही आप समझ गए होंगे कि ये सब इस्लामिक बच्चों के नाम हैं, यानी ये बच्चे मुसलमान बच्चे हैं। ये कहानी एक मुसलमान परिवार की है। इस कहानी की लेखिका ने इस कहानी को उर्दू में लिखा था। लेखिका का नाम है जीलानी बानो। इस कहानी को हमने बाद में हिंदी में पढ़ा, क्योंकि हिंदी में इसका अनुवाद लक्ष्मी चंद्रगुप्त ने किया। ठीक है। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज एन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, यानी आरिफ और सलीम जब दोस्तों के साथ कव्वाली यानी गाना गा रहे होते थे, तभी आरिफ और सलीम को मम्मी सोने के लिए बुलाती थी, या फिर मम्मी की आवाज़ तब आती थी जब सुबह सवेरे वे लोग बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे। उस समय आपा यानी उनकी बड़ी दीदी, आरिफ और सलीम की बड़ी आपा, वो झिंझोड़ कर उनको जगा देती थी। चलो जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, यानी हर वक्त कोई ना कोई पाबंदी यानी रोक या बाध्यता, नियम, और हर वक्त झगड़े, तकरार। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। चू भी नहीं कर सकना मतलब अपनी मर्जी से वे कोई आवाज़ तक नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, यानी उनके एक बड़े भाई भी थे। जब आरिफ गाता तो भाई जान उनको डांट कर चुप करवा देते। क्या कहते, चुप होता है या नहीं? हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। आरिफ के गाने की तुलना वो मेंढक के टर्राने से करते थे। इस तरह वो आरिफ समझता था कि वे उसका बहुत ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। बाहर जाओ,
तो अम्मी पूछती थी, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती थी, हाय ये लोग कितना ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दो। यानी रज़िया आरिफ और सलीम की माँ का नाम है, अम्मी का नाम है। तो दादी हमेशा अम्मी से कहती कि ज़रा इन बच्चों को बाहर ले जाओ, हाँक दो, मतलब डांट कर बाहर भेज दो, क्योंकि घर पर ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि मेरा दिमाग फटा जा रहा है। बाहर हाँक दो ऐसे कहते हैं दादी जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। यानी बच्चों को थोड़ी हाँका जाता है, वो तो मुर्गी के चूजों को यानी चिकन को भगाया जाता है इस तरह हाँक कर। दोनों बच्चे घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते, यानी उपाय सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। यानी लिहाजा मतलब अब और कोई उपाय तो नहीं था, दोनों बच्चों ने मिलकर एक उपाय निकाला और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की और वे बच्चे गए अब्बा के पास, अपने पिता के पास, और उनकी सेवा में, उनके खिदमत में एक दरखास्त यानी एक प्रार्थना, एक अपील की। क्या पेश की? कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। यानी एक दिन के लिए वे बड़े बनना चाहते थे और सब बड़ों को छोटा बनाना चाहते थे। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, यानी अब्बा से डांट लगवाने की कोशिश की। अम्मी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि ये इकरार भी कर बैठे, इकरार यानी स्वीकृति भी दे बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार या हर किस्म की आज़ादी मिल जाएंगे। बस फिर क्या था, दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि पिता उनकी दरखास्त मान गए थे। अगली सुबह अब क्या होता है चलिए आगे देखते हैं। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे कि आरिफ ने मम्मी को, अपनी अम्मी को झिंझोर डाला। जिस तरह से आरिफ को सुबह सवेरे उसकी माँ या उसकी आपा उठा देती है ज़ोर ज़बरदस्ती, बिल्कुल उसी तरह आरिफ ने अम्मी के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया और उनको झिंझोर डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोए रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। यानी जब आरिफ अम्मी को झकझोर कर उठा रहा था, अम्मी का मन कर रहा था कि उसको एक झापड़ लगाए, परंतु उनको याद आ गया कि आज तो अम्मी के सारे अधिकार छीन चुके हैं और सब अधिकार बच्चों को मिल चुके हैं। फिर आई दादी की बारी। दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। अब सुबह उठकर ही दादी नमाज पढ़ती थी, मुसलमान लोग तो सारे दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना। नमाज पढ़ने के बाद वो अपनी दवाएं लेती थी, मेडिसिंस, और फिर बादाम का हरीरा पीती थी। हरीरा यानी उबले हुए दूध में मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स मिलाकर जो एक शरबत बनाया जाता है, रोज दादी सुबह उसे पिया करती थी। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा तौबा दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और
दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। मार नहीं पाई क्योंकि दादी के भी अधिकार छीन चुके थे। अब नाश्ते के वक्त क्या हुआ देखो। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामे से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सब बड़ों को दे दो। यानी कि इन बच्चों को रोज दलिया या दूध बिस्किट ये सब खाना पड़ता था नाश्ते में, और बड़े अंडे मक्खन ठीक है ब्रेड वगैरह खाते थे। तो इन बच्चों को रोज रोज दलिया और दूध बिस्किट खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए आज तो उनके पास सारे अधिकार थे। इसलिए उन्होंने खान सामे यानी कुक से कहा कि हमें बड़ों के खाने दो और हमारा खाना बड़ों में बांट दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, यानी बड़ी दीदी ने गुस्से भरी नजरों से उनको देखा, मगर बेबस थी, लाचार थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी। यानी रोज की तरह आज वह तर माल यानी अच्छा खाना अपने लिए नहीं रख सकती थी। ठीक है, सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत दिखाइए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। यानी रोज सलीम और आरिफ के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। जब भी वो लोग खाना खाने बैठते थे या कभी भी बड़े अचानक उनसे दांत दिखाने के लिए कहते थे और अच्छी तरह दांत मांझने का की नसीहत भी दिया करते थे, तो आज उनकी बारी थी। तो अचानक खाना खाने से पहले ही अम्मी को टोक दिया कि पान खाने से उनके दांत बड़े गंदे हो गए हैं। अम्मी ने टालना चाहा, मैं तो दांत रोज मांजती हूँ और दांत मांज चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए, अम्मी तो अपना निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उनको उठा दिया और अम्मी को गुसल खाने में भेज दिया। गुसल खाना यानी बाथरूम। ठीक है, और अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते हैं। यानी रोज अम्मी सलीम से यही प्रश्न करती है और रोज दोबारा उसको दांत मंजवाती है। तो आज सलीम की बारी थी, सलीम ने भी जबरदस्ती अम्मी को गुसलखाने भिजवाया। सब हंस रहे थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, कौन? सलीम, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? यानी कि अब्बा हमेशा सलीम को इसी तरह बोलते थे, अब्बा की गत देखिए यानी दशा देखिए, बाल बढ़ गए हैं, शेव नहीं कराई है और जो कल कपड़े पहने थे वो आज इतने मैले हो गए हैं, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब्बा को बड़ा मजा आ रहा था, आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए, यानी अब्बा को बहुत शर्म आई क्योंकि सचमुच उनके कपड़े मैले हो गए थे। और अब्बा को बड़ी हंसी भी आई कि आज ये बच्चे सभी बड़ों की नकल हूबहू निकाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए।
यानी थोड़ी देर बाद नाश्ते के बाद अब्बा के दोस्त आए थे और वे अपने दोस्तों के बीच में बैठकर अपनी नई लिखी हुई गजल को सुना रहे थे, अपना नया संगीत सुना रहे थे। शायद वो गजल के लेखक थे, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट थे और अच्छे सिंगर भी थे, गायक भी थे, ठीक है, संगीतकार और गायक भी थे और साथ में शायद वो गजल लिखते भी थे। तो वो अपने दोस्तों को अपनी नई गजल सुना रहे थे बड़ी खुशी से, लहक लहक कर। परंतु आरिफ ने टोक दिया कि अब बस कीजिए, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। क्योंकि आरिफ और सलीम को भी कव्वाली गाने से रोका जाता था और स्कूल भेजा जाता था इसी तरह। चू चू चुप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। यानी अब्बा दोस्तों के सामने अपमानित हो रहे थे, उनको गुस्सा आ गया था और वो आरिफ को डांटने ही वाले थे कि उनको याद आ गया कि आज तो बच्चों को सारे अधिकार प्राप्त हैं। वे रुक गए, बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांवों को पटकते हुए आरिफ के साथ वे अंदर चले गए, क्योंकि उनको दफ्तर के लिए देर हो रही थी। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी कि अब्बा जान भी जैसे बात करते थे बिल्कुल उसी तरह से अब आरिफ अब्बा जान से बोलने लगे, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। यानी आरिफ ने अब्बा जान की वही नकल उतारी जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो, ठीक है। जब आरिफ इकन्नी मांगता है अपने माँ से, अम्मी से, तब अब्बा ऐसे ही बोलते हैं कि तुम्हें पॉकेट मनी दी जा चुकी है, अब फिर से इकन्नी क्यों मांग रहे हो। इकन्नी एक ऐसा पैसा है जो पहले के जमाने में चलते थे पर आज नहीं चलते। थोड़ी देर बाद अब खानसामा आया कि दोपहर में क्या खाना बनेगा, और खानसामे ने रजिया से कहा, बेगम साहब आज क्या पकेगा। रजिया रोज की तरह बोलने लगी, आलू गोश्त कबाब मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, पर सलीम किताब पढ़ रहा था। उसने किताब को रखा और अम्मी की नकल उतारते हुए कहने लगा, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी, आज गुलाब जामुन गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। यानी इन बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद था और घर में बड़े इनके पसंद के मुताबिक खाना नहीं बनवाते थे। तो आज सलीम ने अम्मी की नकल उतारी और अम्मी की तरह ही खानसामे को मेन्यू बताया। अम्मी किसी तरह सब्र नहीं कर पाई। अम्मी कहने लगी, लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, यानी रोटी के लिए तो कोई नमकीन सब्जी चाहिए, मिठाइयों से हम रोटी थोड़ी खा पाएंगे। अब अम्मी से सब्र नहीं हुआ, वो धीरज ना रख पाई। जब अम्मी ने ऐसे कहा तो दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, दोनों बच्चों ने, जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों का सालन से खाना खाते हैं, बस उसी तरह रोज आप लोग मिठाइयों से खाओगे। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी, यानी किसी से झगड़ रही थी। आरिफ ने दोनों हाथों से अपने सिर को थामते हुए दादी की नकल उतारा, क्या कहा, ओफो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है, यानी कितना शोर कर रही है दादी। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया उन बच्चों पर, आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं, यानी आज तो ये बच्चे मेरे पीछे लग रहे हैं।
फिर दादी को अब्बा ने समझाया कि आज इन बच्चों को सारे अधिकार मिल गए हैं, तो अब्बा के समझाने पर दादी खून का घूंट पीकर रह गई। यानी बहुत ही गुस्सा आ गया था दादी को, पर उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया। कॉलेज का वक्त हो गया था तो भाईजान कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे। वो अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ और सलीम से बचाते हुए दालान में आए, यानी आंगन में आए दालान, और वहाँ अम्मी से कहने लगे, अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। जैसे ही भाईजान ने अम्मी से कहा कि वो देर से घर लौटेंगे, फिल्म देखने जाएंगे शाम को, तो आरिफ ने आंखें निकाल कर उनको धमकाना शुरू कर दिया। खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब हैं, यानी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप, यानी आपके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, और अभी सैर सपाटे में गुम रहने लगे हो। पहले तो भाई जान एक करारा हाथ मारने लपके, यानी उनको मारने के लिए दौड़े। फिर उनको याद आया कि आज तो बच्चों को सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो ये सोचकर मुस्कुराने लगे। लेकिन हुजूरे आली, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। अब भाईजान ने हाथ जोड़कर आरिफ और सलीम दोनों से प्रार्थना कर की कि हुजूरे आला, आज तो मैं अपने दोस्तों को वचन दे चुका हूँ कि आज मैं उनके साथ फिल्म देखने ज़रूर जाऊँगा, बात पक्की कर चुका हूँ, तो आप मेरी इज्जत रखने की मेहरबानी करो और मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने दोस्तों से मिलूं और उनके साथ घूमने जा पाऊं। क्योंकि आज बात हो चुकी है, बना रहे बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, परंतु आरिफ ने लापरवाही से उससे साफ साफ इनकार कर दिया और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। जैसे कि भाईजान उनके साथ व्यवहार करते हैं, उन बच्चों ने भी आज भाईजान के साथ वैसा ही व्यवहार किया और कहा कि बस मैंने कह दिया तो कह दिया, आज शाम आप कहीं नहीं जाओगे। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली, यानी बड़ी दीदी, एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। अब भाईजान की तरह आपा भी कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत ही सुंदर सी भारी सी साड़ी में सजी धजी वो कॉलेज जा रही थी ठाट से। सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया, यानी एकदम अच्छी तरह से जांच पड़ताल की कि आपा कैसे सजी हुई है, और कहने लगा, आप इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी हुई हैं, शाम तक गारत हो आएगी, यानी शाम तक तो ये कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज वो सफ़ेद वायल की साड़ी पहनी है पहनना। यानी आपा रोज उन बच्चों को अच्छे कपड़े पहनने से रोकती थी और कोई ना कोई पुराना या हल्का कपड़ा पहनाती थी। आज तो सलीम को मौका मिल गया तो उसने कहा कि शाम तक आपकी साड़ी, इतनी भारी साड़ी खराब हो जाएगी, तो अपनी साड़ी बदल कर फिर कॉलेज जाओ और आज तुम सफ़ेद वायल की साड़ी पहन कर जाओ। आपा तो चिढ़ गई और बोलने लगी, अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। और ये कहते हुए आपा अपनी साड़ी को ठीक करने लगी और साड़ी पर जो सिलहोटे पड़े थे, शिकन पड़ी थी, उनको दुरुस्त करने लगी, ठीक करने लगी। हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ,
अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा तो एकदम शर्मिंदा हो गई, क्योंकि ये बच्चे आपा की ही तो नकल कर रहे थे। तो सलीम की नकल देखकर तो आपा शर्मिंदा हो गई। सलीम ने कहा कि आपके कॉलेज में फंक्शन है तो है, पर मैंने जो कह दिया सुना नहीं। आपा बिल्कुल इसी तरह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा देती हैं और निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म दिया करती थी। अब वो दिन तो बीत गया और सुबह हो गई। अब ये सुबह दूसरी सुबहों की तरह ही एकदम साधारण सी सुबह थी, क्योंकि अब बच्चों के पास बड़ों वाले सारे अधिकार अब नहीं थे। अब बड़ों को बड़ों के अधिकार थे और बच्चों को बच्चों के नियम। सलीम की आंख खुल गई सुबह सवेरे, तो उसने क्या देखा कि घर वाले अब उनके साथ अलग ही व्यवहार कर रहे हैं। यानी कि कल के सलीम और आरिफ के व्यवहार की वजह से, नकल उतारने की वजह से, सभी घर वाले शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और सभी ने अपनी अपनी गलतियां मानी और अब वे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। आपा ने क्या किया? आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी ने खानसामे को हुक्म दिया था कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया जाए। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाई जान भी मेज पर तबला बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसका उत्साह और ज्यादा बढ़ा रहे थे। और अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, इसमें कोई खर्च नहीं, यानी मैं मना नहीं करूंगा, स्कूल जाते वक्त जेब खर्च के हिसाब से एक चवन्नी जरूर लिया करो, ठीक है। तो इस तरह से बड़ों ने उनके साथ अपना व्यवहार में थोड़ी नरमी लाए वो लोग। अब उनके साथ सख्ती से पेश आना उन्होंने बंद किया और उनको भी सम्मान मिलने लगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक दिन की बादशाहत। ये एक उर्दू कहानी है जिसकी लेखिका का नाम है जिलानी बानो। हिंदी में इसका अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया है, ठीक है। तो आप इस कहानी को अच्छे से सुनिए, बार बार पढ़िए किताब, और सभी कठिन शब्दों को उनकी वर्तनी के साथ अभ्यास कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।